अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अब तक खैरियत से ही होंगे। लेकिन आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ब्रेकिंग न्यूज़, जिसे सुनने के बाद मुझे नहीं मालूम कि आप ठीक रहेंगी या नहीं, आप पर क्या गुजरेगी। हाय, आई एम आयशा सना। parkhangama.com तो पहले ही बहुत ब्राइट है, लेकिन उसे और ब्राइट करें। आयशा सना करोड़ों का फ्रॉड करने के बाद फरार हो चुकी हैं। जी हाँ, ब्रेकिंग न्यूज। ना जाने कहाँ से आई थी, ना जाने कहाँ को जाएगी दीवाना, 6 करोड़ लेके किसे बनाएगी ये लड़की, किसी के हाथ ना आएगी ये लड़की, किसी के हाथ ना आएगी ये लड़की। अब ढूंढते फिर उस लड़की को। आयशा सना एक मॉडल हैं, एक होस्ट हैं, एक्ट्रेस भी हैं। इनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में बताऊं, ये लाहौर की पैदाइश हैं, लाहौर में पली बड़ी हैं और कॉन्वेंट की पढ़ी हुई हैं। जी हाँ, और उसके बाद ग्रेजुएशन इन्होंने लंदन यूनिवर्सिटी से की है अपनी, और लॉ की डिग्री वहाँ से की है। उसके बाद ये लाहौर वापस आ गई और लाहौर में ही अपना काम जो शोबिज़ से रिलेटेड था वो कर रही थी। इनका एक बेटा है जिसका नाम अहद है, इनके पहले हस्बैंड का नाम। जी हाँ, इन्होंने 2 शादियाँ की हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उस पर मैंने बताया था कि उन तमाम शख्सियात के बारे में जिन्होंने एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन नहीं बल्कि 4-4 शादियाँ भी कर रखी हैं। भाई, उन्हीं में से ये एक है, इनकी 2 शादियाँ हैं। एक तो ऐसे लगता है जैसे अब ट्रेंड पुराना हो गया है, बड़ा बोल्ड, मतलब बुरा सा लगता है कि जी आपकी कितनी शादियाँ हैं, बस एक। तो एक से ज़्यादा हो शायद इन लोगों को अच्छा लगता होगा। आयशा सना के पहले हस्बैंड का नाम है तारिक ख्वाजा, दूसरे हस्बैंड का नाम यूसुफ बेग मिर्ज़ा है। जी, इनकी 2 शादियां हैं। ज़राए ने बताया है कि आयशा सना ने घरेलू ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अपने मुख्तलिफ दोस्तों से 6 करोड़ 15 लाख के जेवरात और भी इर्द गिर्द से जो कुछ भी इकट्ठा हो सका वो इकट्ठा किया, और 2020 से ये गायब है बीबी। जी हाँ, 2020 फरवरी से ये गायब हैं। इतना डार्क हो रहा है, लाइट करें इसे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ? नहीं, वो फिर ट्यून बेट्यून हो जाएगा, इसको घूमेंगी ना वो फिर ट्यून नहीं होगा। रोज कोई और कैमरा होता है। आप इसको ब्राइट करें, ब्राइट करें इसे। कौन है ये? कौन है ये? कौन बोल रहा है? ब्राइट करें इसे। इनके बारे में किसी को भी कुछ नहीं मालूम, हमेशा की तरह ऐसा ही होता है, जो आपके पैसे लेके भाग जाता है उसके बारे में किसी को पता ही नहीं होता। और अगर उनके घर वालों से रابطہ करो तो वो यही कहते हैं, हमने तो उसे आग कर दिया है, अपनी जान छुड़वानी है, जाहिर है। और क्या कहें, ऐसी औलाद को औलाद बताते हुए भी शर्म आती है। जिन लोगों ने आयशा सना को रकम दी थी वो अब इनकी तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह दिल के अरमासों में बह गए हम, रकम दे के भी तन्हा रह गए, दिल के अरमासों में बह गए। एक मुतासिरा शख्स ने इनके खिलाफ फ्रॉड का और धोखाधड़ी का मुकदमा भी दर्ज करवा दिया है। लाहौर की मशहूर कारोबारी शख्सियत मोहम्मद मोइन अली साहब जो हैं वो बता रहे हैं, उन्होंने इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवा दिया है। और वो बता रहे हैं कि इस बीबी ने, आयशा सना ने, मुझसे घरेलू ज़रूरियात के लिए 20 लाख रुपए लिए थे, और जब मैंने उनसे मुतालबा किया कि बीबी तुमने मुझसे 20 लाख लिए हैं और वो 20 लाख तो मुझे वापस कर दो, तो इन्होंने लिए तो वो फरवरी में थे लेकिन 26 मार्च का उन्हें एक चेक दिया इन्होंने, और वो चेक जो है जब इन्होंने जमा करवाया हबीब बैंक का वो चेक था, तो इनका कहना है कि उस बैंक में यानी कि इन रकम ना काफ़ी होने की वजह से वो चेक जो था वो डिसऑनर हो गया, तो उसकी वजह से फिर इन्होंने मुकदमा कर दिया इस बीबी पे, और इन्होंने कहा कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, और इसीलिए धोखाधड़ी और फ्रॉड का मुकदमा इन पर दर्ज हुआ है। दूसरी तरफ आयशा सना का मोबाइल भी बंद है, उनके करीबी दोस्तों को फ़ोन करो तो ऐसी सूरत हाल में तो करीबी दोस्त भी यही कहते हैं कि बीबी हम नहीं जानते उनके बारे में कुछ भी, वो कहाँ है हमें तो पता ही नहीं, हम तो बस उनके साथ जस्ट हल्की फुल्की हेलो आई थी, इससे ज़्यादा तो हमारा कुछ भी नहीं था।
आयशा सना ने कई और लोगों से भी रकम हथियाई है और जो 1 करोड़ के करीब बनती है, और इसी तरह इनकी एक हमसाई है जिनका नाम बॉबी है। तो हमसाए होने के नाते जब आप शुरू से एक ही वहाँ के रहने और वाले हो डिफेंस के, तो एक साथ रहते हुए कम अज़ कम एक दूसरे पे इतना तो एतमाद होता ही है, और फिर शोबिज से भी इनका ताल्लुक था तो इंसान सोच नहीं सकता कि ये मेरे साथ ऐसा करेंगी। तो उस बॉबी नामी औरत का कहना है कि ये मेरे पास एक दिन आई हैं, और इन्होंने, क्योंकि इनका इरादा तो पहले से होगा भागने का, तो इन्होंने सोचा होगा कि जो कुछ भी है इकट्ठा कर लूँ, तो ये उनके पास गई हैं और उनसे कहा है कि मैंने किसी फंक्शन पे जाना है तो मुझे आपकी डायमंड की रिंग और कुछ जेवरात चाहिए जो मैं पहन के जाऊंगी और वापसी पर आपको दे दूंगी। तो फिर जाहिर एक जगह रहते हो तो एतमाद भी होता है, यकीनन उस औरत को इस पे एतमाद होगा। तो उन्होंने इनको अपने 15 लाख के जेवरात दिए जो इनको मिले ही नहीं और ये गायब है। ज़राए ने यह भी बताया है कि इस बीबी ने 6 करोड़ रुपए की एक कमेटी डाली। जानती होंगी भाई हालात इतने ख़राब हैं, अच्छे अच्छे कारोबार वाले भी जो हैं वो वेले होके बैठ रहे हैं, तो सोच रही होंगी कि चलो पैसे इकट्ठे हो गए हैं तो भागने की करें, लेकिन कब तक आप ये पैसा खा सकेंगी, एक ना एक दिन तो इसे ख़त्म होना ही है। फैन तो चला दे प्लीज, ये तो लाइनें ही सर पे चढ़ गई है, मुसीबत। अब पता नहीं लाइट तो कब आएगी, आप लोग कोई फैन ही नहीं लेके आते साथ। करीबी दोस्तों के साथ मिलकर 6 करोड़ रुपए की कमेटी डाली थी, इसकी महाना किस्त 5 लाख थी, और ये मिलने कितने कितने थे, एक मेंबर को 40-40 लाख मिलना था, एक एक मेंबर को 40-40 लाख मिलना था, लेकिन रकम इनके पास जब इकट्ठी हो गई ज़्यादा तो इन्होंने सोचा निकलते बनो। तो कुल मिला के इस बीबी ने क्या हथियाया है, 6 करोड़ की कमेटी डाल दी जो हथिया ली गई है, उसके बाद अली मोइन साहब जो इनके करीबी फ्रेंड थे, उनकी वाइफ उनीजा भी इनकी फैमिली फ्रेंड थी, उनसे 20 लाख, इर्द गिर्द के लोगों से जो इकट्ठा किया है उसमें 1 करोड़ के करीब वो रकम भी बनती है, कुछ जेवरात हैं जो बॉबी नामी औरत हैं उन्होंने भी कहा है कि मेरे जेवरात, इस तरह कुल मिला मिलू के अच्छी खासी रकम इकट्ठी करके ये बीबी इस वक्त गायब है। ना तो ये शामिल तफ्तीश हुई हैं और ना ही अभी तक इन बीबी का कुछ पता है और ना ही इन्होंने अभी तक जमानत कराई है। हाँ जी जी जी, टीवी की आवाज तो बंद कर दे खुदा के वास्ते। टीवी की आवाज बंद है? हाँ, तो फिर मेरी आवाज क्यों वापस आ रही है मुझे? पता नहीं, आप ही है। अच्छा जी, अच्छा बताएं। आप तो कहते हैं आर्टिस्ट लोग सेंसिटिव होते हैं, लेकिन मैं नहीं कहती। अच्छा आप क्या कहती हैं? बहुत बुरे होते हैं आर्टिस्ट, बुरे होते हैं। मैंने रीमा आपी का नंबर लिया और मुझे गलत दिया गया। अच्छा, रीमा आपी का आपने नंबर दिया लिया और गलत दिया गया जी। तो जिसने दिया जिंदगी में भी ऐसे होते हैं जैसे ड्रम वगैरह। नहीं तो जिसने दिया उसने गलत किया ना, इसमें रीमा का क्या कसूर है? दोनों गलत है, मैं दोनों को कभी माफ नहीं करूंगी। नहीं दोनों क्यों गलत है, रीमा को तो पता ही नहीं आप उसको फोन कर रही हैं, जब नंबर ही आपके पास गलत है पता नहीं किधर फोन लगा रही हैं आप। नहीं आप ऐसा करें अपने दिमाग को थोड़ा खोले, ठीक है? दिमाग बंद है थोड़ा सा। हाँ चले चले ठीक है, ओके थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज। चले जी, नंबर जिसने गलत दिया भाई उसकी फॉल्ट है, जिस आर्टिस्ट का नंबर उसकी गलती थोड़ी है। हाँ चले, तो हम यही बात कर रहे थे कि इसमें उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।